हम किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। आपने खाली सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में सीखा है। हाँ, और सम्मोहन के बारे में आपने घर पे या कहीं और ऐसा क्या क्या कोशिश किया है? हाँ, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जो नॉर्मल बुखार वगैरह उसके लिए, तो क्या, हाँ, तो उनके लिए आप सम्मोहन का इस्तेमाल करते हैं? तो सब में आप हिप्नोसिस का यूज नहीं कर रहे, खाली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं? ओके, ये सम्मोहन क्या है? सम्मोहन क्या कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है या साइंस है? ओके, आप भूत को मानते हैं? आपने सुना है, मैंने भी सुना है। मैंने भी देखा नहीं है। तो आप मानते हैं भूत को, होगा नहीं होगा क्या?
आपको क्या लगता है? तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनका अस्तित्व है? तो अपने बचपन में देखा है। तो और आपने उन लोगों को देखा है जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं, फिर वो घूमते हैं, घूमने लग जाते हैं और लोगों को उनके प्रॉब्लम्स का इलाज भी बता देते हैं। तो वो आपको लगता है वो हिस्टेरिया है, वो सच में भगवान उनके अंदर नहीं आता है? मैंने लेडीज को भी देखा है, जेंट्स को भी देखा है। जब बजने लगता है तो वो टाइम पे वो जो मंदिर के सामने जब बजने लगता है, ढोल बजने लगता है, तो ज्यादातर उस समय वो आ जाता है उनके अंदर। ईश्वर को मानते हैं आप? आप ईश्वर को मानते हैं? आप क्यों ईश्वर को मानते हो? ठीक। अभी आपकी डिग्री क्या है? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? और एक मैं बात आपको बताता हूं कि ये सीखने के बाद आपके पास जो पेशेंट आते हैं, तो साइकोलॉजिकल पेशेंट की तो बाद में बात करते हैं, पहले जो रेगुलर पेशेंट आते हैं उनकी जो संख्या है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसा आप पहले इलाज करते थे इलाज तो वैसा ही करेंगे आप। आप इलाज जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, उसमें तो कोई ये नहीं है। फिर भी आपके पास आने वाले जो पेशेंट्स है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और आपका जो नाम है वो सिर्फ आपके एरिया तक सीमित नहीं रहेगा, वो तो पूरे दिल्ली में हो जाएगा। ये मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं और ये सच होने वाला है। और ऐसा क्यों होगा मालूम है? क्योंकि आप जो इलाज करते हैं उसका पेशेंट को जो ठीक होने का जो रेशो है और जो टाइमिंग है, रेशो बहुत बढ़ जाएगा, टाइमिंग बहुत कम हो जाएगा। मतलब पेशेंट बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा। इससे पहले जो ठीक नहीं हो पाते थे वो भी ठीक हो जाएंगे। और पेशेंट खुद लोगों को बताएगा
कि किसी को कुछ हुआ है तो इधर ही जाना है, और ऐसा सच में होने वाला है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे पूरे दिल्ली में आपका नाम होगा। ये मेरा जो मैंने बताया है भविष्य फ्यूचर जो प्रेडिक्ट किया है ऐसा ही होगा। और आप खुद मुझे कॉल करके बताएंगे कि आपने जो जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस फील्ड में कैसे आया, हिप्नोटिज्म के फील्ड में कैसे आया, ट्रीटमेंट देना कैसे शुरू किया, इसका एक मजेदार स्टोरी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं इस फील्ड में आखिर आया कैसे। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी तो मैं डोंबिवली में रहता हूँ, इसके पहले मैं विक्रोली में रहता था। और एनेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड करके कंपनी है लोअर करेंट में, तो विक्रोली से लोअर करेंट मैं डेली अप डाउन करता था ट्रेन से। तो एक दिन ऐसे ही स्टेशन पे एक बड़ा होर्डिंग मैंने देखा। उस होर्डिंग पे एक हिप्नोटिस्ट का इमेज था बड़ा, और वो हिप्नोटिस्ट उसका हाथ आगे है, वो ऐसा हाथ किया हुआ है उसने, और उसके सामने एक लड़की है जो जिसकी आंखें बंद है, हाथ ऐसे पीछे और ऐसे सो गई है। और जो हिप्नोटिस्ट है उसके आंखों से ऐसे किरण निकल रहे हैं वो लड़की पर है। और फिर हिप्नोटिज्म के बारे में साथ में लिखा। अभी वो टाइम पे मैं ये सम्मोहन क्या है, हिप्नोटिज्म क्या है कुछ नहीं जानता था, पता भी नहीं था। तो ये अजीब सा एडवर्टाइज देख के मैं सोचे किस तरह के एडवर्टाइजमेंट है। तो हम कुछ दोस्त साथ में जाते थे तो दोस्तों को मैंने पूछा कि ये क्या है, तो बोला ये हिप्नोटिस्ट है, इनसे आंखों में कभी मत देखना। मैं बोला क्यों, नहीं वो क्या करते हैं ना आंखों से सम्मोहित कर लेते हैं। तो बोला सम्मोहित कर लेते मतलब वो सामने वाले को ना ऐसा काबू में करते हैं, और फिर सामने वाला वैसा ही करता है जैसा वो हिप्नोटिस्ट कहता है। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई देखेगा और अपने माइंड को उसके कंट्रोल में ले लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब उस पर मेरा मैं यकीन नहीं कर पाया। मैं बचपन से रैशनल पर्सन, मुझे हमेशा साइंटिफिक विचार करने की आदत है, और इसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि जब मैं छोटा था 7-8 साल का, तो मैं देखता था कि जो गांव में लोग जो मंदिर के सामने जो साल में एक बार जो यात्रा होती है ना, उसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आता है, वो घूमता है और वो लोगों को उपाय बताता है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी एक बार मुझे लेके गए थे उसके पास। अभी मुझे पता नहीं वो टाइम पे उसने क्या बताया था, लेकिन जो बताया था वो जो प्रॉब्लम था उससे रिलेटेड कुछ था ही नहीं।
उन्होंने खुद अलग ही बताया। तो मुझे तब से यकीन उठ गया, लेकिन फिर मैं सोचता था कि सच में होगा या नहीं होगा। तो और एक थे जो मेरे रिलेटिव थे, उसके पास ये तंत्र मंत्र इसकी बहुत सारी किताबें थी, उसमें से जब मैं उनके घर जाता था तो उनका कुछ ना कुछ ऐसा ही रहता चलता था, वो तंत्र मंत्र ये किताब वो किताब। तो उसमें एक किताब थी, उसमें एक मंत्र लिखा था बिच्छू बनाने का। तो मंत्र बोलने के बाद लिखा था कि ये मंत्र अगर किसी पत्थर के सामने जाके आप बोलोगे और पत्थर को ऐसा हटा देंगे तो उसके नीचे से बिच्छू निकलेंगे, बहुत बिच्छू निकलेंगे। तो के मुझे लगा शायद होता भी होगा, मैंने उस मंत्र को ना याद कर लिया और गया एक पत्थर के सामने, उस मंत्र को मैंने बोल दिया, कुछ नहीं निकला उसके नीचे से। फिर दूसरे पत्थर के पास गया, वहां भी मैंने मंत्र को बोल दिया, कुछ नहीं निकला। तो इस तरह से मैंने वो टाइम की, ये तो भाई दो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन तो मैंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की और वो कोशिशें इसीलिए की क्योंकि मुझे यकीन होता था शायद होता होगा। लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं हमेशा साइंटिफिक ही सोचने लगा। तो इसीलिए जब मैं वो होर्डिंग देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो उसके बाद ट्रेन आ गया, फिर मैं ट्रेन में बैठ गए, ऑफिस में गया। तो ऑफिस में मैंने नेट पे हिप्नोटिज्म के बारे में ढूंढा, ये मुझे लगता है 2005 के आसपास की बात होगी। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और सर्च करके देखा तो उसमें हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी आ गई, कुछ वीडियोज भी आ गए। मैं वीडियोज को देखा तो कई सारे वीडियोज में वो हिप्नोटिस्ट साहब ने किसी को बुलाता है पब्लिक में से, फिर वो कुछ बोलता है, उसको सम्मोहित करता है, कहीं पे टच करता है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है। तो वो सब देखने के बाद मैंने सोचा कभी इतने सब पब्लिक के सामने कर रहा है तो सच्चाई तो होनी चाहिए इसमें। तो फिर मैं उसके ऊपर एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में पैदा हो गई कि इसको सीखना चाहिए, सिर्फ एक हॉबी के तौर पर, कोई इसमें आने की स्पीड में आने का ऐसा कोई इरादा मेरा था नहीं। लेकिन ये चीज बड़ी देख के मजेदार लगती थी क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं ऐसा लोगों के सामने करूंगा, किसी को सम्मानित करूंगा और सब लोग देखेंगे तो सब लोग मेरी वाह वाह करेंगे, सब लोग सोचेंगे कि क्या शक्ति है इनके पास, तो कैसा करते होंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं करूंगा। तो वो टाइम पे मैंने एक किताब मंगवाई, मतलब नेट पे सर्च किया है सीखने के लिए कोई किताब है क्या। तो एक प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म करके एक मुझे किताब मिली, श्रीमाली करके है कोई, तो वो किताब मैंने मंगवाई। तो वो किताब मंगा के मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें कई सारे तरीके बताए थे, उसमें बताया था आप त्राटक करो,
त्राटक करने से आपके आंखों में बहुत सारी शक्ति आ जाती है। वो जो शक्ति है उससे आप सामने वाले को सम्मोहित करते हो। अगर आप किसी को ऐसा एक तक देखेंगे भी ना तो मुड़ के आपको देखेगा। या उसमें यह भी लिखा था कि अगर दीवार पे कोई छिपकली है ना और उसको भी एक तक देखेंगे ना तो वो भी आपको मुड़ के देखेंगे। ये सब पढ़ के तो मुझे और अजीब लगा, तो मैंने त्राटक करना शुरू किया। मैं मोमबत्ती सामने लगाता था और उसको एक तक देखते रहता था। आंखों से पानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आंखें बंद ही नहीं करता था, देखते रहता था। अभी और सोचता था कि शायद अभी मेरे आंखों में शक्ति आ गई होगी, तो मैं बाहर जाकर लोगों को देखता था एक तक, लेकिन कोई भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखता था। तो मैं और त्राटक करता था, शायद शक्ति कम होगी, बढ़ाने के लिए और त्राटक करो। और त्राटक किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने सोचा शायद यह तरीका काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा तरीका है क्या, किताब में देखते हैं। अभी उसमें दूसरा तरीका ऐसा बताया था कि आप अमावस की रात शमशान घाट में जाओ, और वहां पे जो चीता जल रही है ना, उस चीता के ऊपर त्राटक करो, तो आपके अंदर बहुत शक्ति आ जाए। अभी ये सब पढ़ के ही मुझे डर लग गया। अमावस की अंधेरी रात में वो भी चीता जल रही है किसी की, और अकेले वहां पे जाके आधी रात में ये कौन करे। तो मैंने फिर सोचा गया चलो ये छोड़ दो, ये अपने से नहीं होगा। तो उसके बाद त्राटक के ऊपर से तो मेरा विश्वास उठ गया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। त्राटक तो मैंने किया बहुत, लेकिन हुआ कुछ नहीं, और वो किताब के ऊपर से भी भरोसा उठ गया। फिर अब मैंने सोचा कि क्या तरीका है। पहले तो सब विश्वास जब उठ जाता है तो क्या करते हैं, हम कुछ दिन तक उसको छोड़ देते हैं, ये इतना किया नहीं हो रहा है, क्या करें। फिर कुछ दिन के बाद मैंने वापस सोचा कि कुछ अलग से करते हैं, तो मैंने हिप्नोटिज्म की वीडियो देखने शुरू किए। उस वीडियोज में एक वीडियो में बताया था कि आप ओमकार साधना करो, ओमकार चैंटिंग करो। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू किया, और एक वीडियो में बताया था कि ओमकार साधना आप कीजिए, ओमकार का आप चैंटिंग करेंगे तो उससे आपके आवाज में सुधार आता है, उससे आपके आवाज में प्रभाव आ जाता है, और अगर आपके आवाज में प्रभाव आ जाता है तो उससे आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। तो फिर ये करने के बाद, मैंने वो वीडियो सुनने के बाद तो मुझे लगा कि सही है, क्योंकि शायद उन लोगों के आवाज में कोई ज्यादा प्रभाव होता होगा, इसके लिए सम्मान होता होगा। तो मैंने उनका चैंटिंग करना शुरू किया। अभी पहला तो तरीका था कि खाली आंखों से देखो, सामने वाला मोड़ के देखेगा आपको। अभी इसमें आवाज का बताया था, तो मैंने ओम का चैंटिंग करना शुरू किया, और ओम का चैंटिंग शुरू करने के बाद
फिर मैंने सोचा कि अभी इसका इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि ये सच में होता है नहीं होता है। तो फिर उस आवाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें, सामने वाले को समझ कैसे करें वो तो पता नहीं है। तो हिप्नोटिस्ट कैसे सम्मोहित करता है, उसके वीडियोस में ध्यान से देखना शुरू किया। तो होता जो मैं क्या करता था कि वो वीडियो को डाउनलोड करता था और उसको सीडी में राइट करता था, और वो सीडी में घर पे लेके आता था और घर पे कंप्यूटर में डाल के उस वीडियो को ध्यान से देखता था। और वो पूरा वीडियो को याद करता था मैं कि वो कब हिप्नोटिस्ट कैसे देखता है, किस टोन में बात करता है, वो कब टच करता है, टच करने के टाइम पे क्या बात करता है, उसके बाद क्या सजेशन देता है। मैंने चीज उसको कॉपी किया और फिर किसी ना किसी को मैं पकड़ के लाता था, चलो मैं तुमको हिप्नोटाइज करूंगा। तो पकड़ के लाता था और उसको जैसा वो हिप्नोटिस्ट किया है वैसा ही मैं करता था, लेकिन करने के बाद वो हिप्नोटाइज नहीं होता था, वो तो हंसने लग जाता था। तो बोलता था कहा कुछ तो हुआ नहीं है। तो मैं सोचता था मैंने तो बराबर उसने जैसा किया वैसा ही किया है, अब क्यों नहीं हुआ है। तो मन में विचार आता था कि शायद ऐसा तो नहीं कि ये जो लोग हैं जन्म से ही शायद इनके अंदर कोई अलग आध्यात्मिक शक्ति होगी जो मेरे पास नहीं, या इनके आवाज में जन्म से ही कोई अलग शक्ति होगी, या अपने कोई अलग शक्ति होगी, क्योंकि मैं तो हर तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझसे क्यों नहीं लोग हो रहे। तो फिर मैं सोचता था कि चलो इस वीडियो से नहीं हो रहा है, ये हिप्नोटिस्ट दूसरा हिप्नोटिस्ट का देखेंगे। फिर मैं ऑफिस में जाता था तो मैं सोचता था कि ये हिप्नोटिस्ट का तो काम नहीं कर रहा है तरीका, अब दूसरे हिप्नोटिस्ट का तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो फिर वापस मैं दूसरे दिन का इंतजार करता था, क्योंकि घर पे तो नेट नहीं था और वो टाइम पे नेट बहुत महंगा था, और ऑफिस में कैसा फ्री था, फुल इंटरनेट। तो मैं वहां पे ऑफिस का काम कम और ये हिप्नोटिज्म का ही ज्यादा मेरा काम चलता था। तो मैं दिन भर वो सर्च करता था, अलग अलग वीडियो उसको डाउनलोड करता था। अब ऐसा हुआ कि मैंने इतने वीडियो डाउनलोड किए कि सीडी में उसको कॉपी करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीडी सिर्फ 700 MB की होती थी और जो डीवीडी होती थी वो 5 GB की। तो मैंने ऑफिस में से एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क निकाला 500 GB का, और ऐसे वीडियोस डाउनलोड कर करके वो हार्ड डिस्क पे स्टोर कर दी, और वो हार्ड डिस्क ही घर पे लेके आता था, कंप्यूटर को कनेक्ट करता था और उससे देखता था। मैंने इस तरह से ना वो टाइम पे हजारों वीडियो डाउनलोड किए, हजारों हिप्नोटिज्म के ऊपर, और हमेशा अलग अलग हिप्नोटिस्ट को देखता था कि वो दूसरा कोई हिप्नोटिस्ट उसका क्या तरीका है, वो तरीका फिर पूरा कॉपी करता था, फिर से किसी को बुलाता था। एक तो लोग आने को तैयार नहीं तो पहले तो क्या
कुछ लोग बोलते थे कि तुमको थोड़े आएगा वो, हिप्नोटिज्म तो बहुत अलग होता है, तुम कब सीखा? या तो ये, फिर दूसरा अगर वो यकीन करते तो बोलते थे कि नहीं, उसमें कुछ हो जाएगा, तुमको ठीक से नहीं आता होगा, तुम मुझे हिप्नोटाइज कर देगा और फिर से निकालने नहीं आएगा तुमको, तो मैं तो वैसे ही रह जाऊंगा। और कोई डर के आता ही नहीं था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था वो टाइम पे बकरे ढूंढना। तो हर दिन मेरा यही काम, सबको ऑफिस से घर आया तो बकरे ढूंढो, कोई बकरा मिलता है क्या? आया जबरदस्ती उसको पकड़ के लाओ, सामने भी खाओ और हिप्नोटाइज करने की कोशिश करो। और आखिर में अंत में होता ये था, तो हिप्नोटाइज नहीं होता था और मुझे बोल के चला जाता था, अरे तुमको कुछ आता नहीं, मैं पहले ही बोल रहा था। और चला जाता था, फिर मैं नाराज होता था कि ऐसा क्या है। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी, फिर नाराज होने के बाद मैं कुछ दिन छोड़ देता था, सोचता था कि शायद ये अपने बस की बात है ही नहीं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तो जो तरीके हैं, मैंने जो फास्ट वाले तरीके इस्तेमाल किए हैं, अभी कोई स्लो वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसमें फिर वो बॉडी रिलैक्स करने वाला तरीका मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उसमें मैं क्या करता था, वापस बकरा ढूंढो, उसको पकड़ के लाओ, सामने बिठाओ, फिर धीरे धीरे उसको बॉडी रिलैक्स करो। मैं पूरा जी जान लगा के 10-15 मिनट तक उसका बॉडी रिलैक्स करता था। अभी 10 मिनट में ना क्या होता था, वो एकदम शांत, हिलता नहीं था, डुलता नहीं था, और मुझे बहुत ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता था, अब शायद ही हिप्नोटाइज हो गया होगा। अब मैं फिर आगे बोलता था, अभी आप गहरे नींद में चले गए हो, पूरी तरह गहरे नींद में जा चुके हो, अब आपके साथ वैसा ही होगा जैसे मैं बोलूंगा, बहुत गहरे नींद में गए हो। जैसे ही मैं ये बोलता था तो उसके जो आंखें बंद थी ना, तो उसका जो रिएक्शन था वो ऐसा होता था। और फिर बीच में आंखें खोल के बोल रहा, मैं कहाँ सो गया, मैं तो जाग रहा हूं। अभी जब मुझे लगने लग रहा था कि अभी ये गया होगा संभव अवस्था में, उसी वक्त ये हंसना शुरू कर देता था, आंख खोलता था और बोलता था, सब तो मुझे सुनाई दे रहा है, मैं कहाँ संभव अवस्था में गया, मुझे तो सब पता चल रहा है। फिर मैं नाराज हो जाता था कि शायद ऐसा क्या है। फिर उसके बाद वापस 2-3 महीना तक मैं छोड़ देता था, मैं सोचता था कि शायद ये नहीं होगा मुझसे। 2-3 महीने के लिए मैं छोड़ देता था। अब उसके बाद 2-3 महीने के बाद वापस जो अंदर की इच्छा होती है ना, वो वापस जाग जाती है। अब उसके बाद जो है मैंने क्या किया, फिर जीरो तो पूरे देख चुका था,
हिप्नोटिस्ट लोग हिप्नोटाइज करके क्या क्या करते हैं सब पता हो गया था। जबान को गूंगा कर देना, आवाज को बंद कर देना, हाथों को चिपका देना, पैरों को चिपका देना, बॉडी को कड़क बनाना, और सुला देना चेयर पे, उसके ऊपर एक को कमर पे खड़ा कर देना, और नाम को भुला देना, नंबर को भुला देना, सब पता तो चल गया था कि ये किया जाता है, क्योंकि इतने सारे वीडियो में देख चुका था, लेकिन उसमें से कर कुछ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो के बजाय हम पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया। अभी पढ़ने में क्या हुआ कि ज्यादातर जो जानकारी है इंग्लिश में, और ये इंग्लिश में जो जानकारी है ये 95% तो मुझे लगता है विदुष 99% जानकारी जो इंटरनेट पे वो टाइम पे अवेलेबल थी वो विदेशी हिप्नोटिस्ट की थी, इंडियन हिप्नोटिस्ट की नहीं। आज शायद कुछ होगी, लेकिन वो टाइम पे तो मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला इंडियन हिप्नोटिस्ट जिसकी जानकारी इंटरनेट पे इंग्लिश में हो। और जब मैं विदेशी हिप्नोटिस्ट की जानकारी को पढ़ना शुरू किया, और उसके पहले तो मैं क्या करता था, जो इंडियन हिप्नोटिस्ट थे उनके वीडियो देखता था, सब हिंदी में रहते थे वो तो जानकारी देते थे, और जो विदेशी हिप्नोटिस्ट की जानकारी थी दोनों में जमीन आसमान का फर्क। हमारे यहाँ की जो जानकारी थी वो तो पूरे रिलीजन बेस पे थी, आध्यात्मिक बेस पे थी, और जब मैं उनकी जानकारी पढ़ता था तो उसमें आध्यात्मिक बेस नहीं था, ही नहीं, रिलीजियस बेस नहीं था, पूरा साइंटिफिक बेस पे वो जानकारी लिखी हुई थी। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो उसमें वो जो जानकारी थी ना वो एकदम नॉर्मल आसान हमको समझ में आएगी, ऐसे कोई उसमें कठिन नहीं, कोई चमत्कारिक जानकारी नहीं। जैसे यहाँ के हिप्नोटिस्ट बताते हैं ना, त्राटक करो आंखों में शक्ति आएगी, तो शक्ति से आप सामने वाले को अपने काबू में कर सकते हैं। तो इस तरह की चमत्कारिक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती थी, जो भी साइंटिफिक से दी आसान हमको समझ में आएगी ऐसी जानकारी, जैसे कि आप सामने वाले किसी को सामने बिठा दो, उसका बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स करो, उसका हाथ अपने हाथ पर रखो, फिर सडनली झटका दे दो, फिर सजेशन दे दो, ऐसे नॉर्मल था, उसमें कहीं कोई आध्यात्मिक बेस नहीं, ईश्वर का बेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। तो वो सब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा वो जानकारी, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। मैंने उसको पढ़ा, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, क्योंकि तो इंग्लिश में समझ करूंगा तो सामने वाले को भी समझना चाहिए, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट किया और फिर हिंदी में उसको समझ करने का कोशिश की। ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट मुझे मिले हिप्नोटाइज कैसे करना है, उन स्क्रिप्ट को मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें भी मुझे फेलरी हुई, सक्सेस नहीं हुई। फिर वापस कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, फिर कुछ दिन मैं वापस पढ़ना शुरू किया, तो एक ऐसी जानकारी हाथ लगी। उसके बाद वैसे तो हर वक्त मुझे ये लगता था कि अगली बार मैं सक्सेस हो जाऊंगा, हर कोशिश के टाइम पे,
जब ऐसा लगता था कि इस बार तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा और हर बार फेल हो जाता है। अभी ये जो जानकारी पड़ी मैंने, इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस बार तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। वापस एक बकरा ढूंढ के लाया मैंने, जोर जबरदस्ती उसको बेड पे सुला दिया। और एकदम आसान प्रोसेस था लेकिन लंबा था, 45 मिनट का था। कुछ ज्यादा सजेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने उस प्रोसेस को अप्लाई किया, 45 मिनट हो गए। फिर उसको सजेशन देना शुरू किया कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप हवा में उड़ रहे हो, देखो आप और ऊपर जा रहे हो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, अभी आप बादलों तक पहुंच गए हो, अभी आप बादलों में पहुंच गए हो, देखो देखो बादलों पे पहुंच गए हो, अभी आपके आसपास बादल है, अभी आप बादल में बादल के ऊपर बैठ गए हो, नीचे धरती को देख रहे हो, इंसान आपको बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह। बोलता था हाँ मैं तुम्हें गांव लेके जाता हूँ, चलो तुम्हारे गांव। फिर उसको गांव लेके गया, फिर उसको मैं गांव लेके गया उसके, उसने उसको पूछा आपको क्या दिख रहा है, तुम्हारा घर दिख रहा है, हाँ घर दिख रहा है, नीचे क्या क्या दिख रहा है और लोग भी दिख रहे हैं। फिर वापस लेके आया उसको, जमीन पर लेके आया, फिर बेड पर लेके आया, फिर उसको धीरे धीरे संभल अवस्था से बाहर निकाला। फिर उसको पूछा कि कैसा लग रहा है, वो तो बोला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया। जैसे उसने बोला कि बहुत मजा आया, सम्मोहित हो गया था मैं यह सुनकर, अब मैं हवा में उड़ गया। क्योंकि पहली बार कोई ये बोल रहा था कि मैं सम्मोहित हो गया हूं, 2 साल बाद। अभी इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई ये बोलता है कि आप सक्सेस हो गए हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो नीचे आ गया और मैं ऊपर चला गया, फिर और फिर सबको बताना शुरू किया, यस मैं सक्सेस हो गया, मैंने करके दिखाया, मैंने सम्मोहित किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुश हो गया। जो भी दिखता था उसको बोलना शुरू कर देता था कि मैंने सम्मोहित कर दिया। तो 3 दिन बाद क्या हुआ, ये ऐसे आ गया बोला, अरे सम्मोहित थोड़ी हुआ होगा, वो तो ऐसे ही बोल रहा होगा, तो हो गया करके। तो पूरे जो मेरी खुशी थी अंदर की, उसने एक झटके में निकाल ली। तो मुझे भी लगा यार सच में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रिस्पेक्ट रखने के लिए मैंने इतना मेहनत किया है, बोला होगा कि हाँ मजा आया ये वो, लेकिन सच में वो हवा में तो उड़ा नहीं था, उसका शरीर तो बेड पे ही था। तो हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो। हाँ मन रखने के लिए, क्योंकि उसको भी लगा होगा कि बेचारा आधे घंटे से इतना कोशिश कर रहा है, ना बोल देंगे तो दुख होगा, चलो तो हाँ बोल देते हैं। तो 3 दिन बाद फिर से वो मेरी खुशी चली गई। अब मैंने सोचा कि ऐसा कोई तरीका
इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिससे कंफर्म हो जाए कि सामने वाला सम्मिलित हुआ था या नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कंफर्म हो जाए कि सामने वाला सम्मिलित हुआ था या नहीं। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कंफर्म हो जाए, खाली सामने वाला बोल दे इसके ऊपर नहीं, हमें खुद आंखों से मालूम पड़ना चाहिए कि सामने वाला सम्मिलित हुआ था या नहीं हुआ। ऐसा कुछ करके देखना पड़ेगा। अभी तीसरे दिन बाद फिर से मैंने बकरा ढूंढना शुरू किया, वापस एक को पकड़ के लाया, उसको बेड पे सुलाया, उसको बेड पे सुला दिया और फिर सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद मैंने उसको उसके हाथ में कॉइन दिया और उसको बोला कि ये कॉइन, क्योंकि ये सब देख बाकी हिप्नोटिस्ट क्या क्या करते मैं देख चुका था, तो कॉइन दिया। मैं बोला कि अभी मैं 1 से 5 दिनों का कॉइन बहुत गर्म हो जाए, एकदम लाल हो जाए, एकदम लाल रेड हो जाए। फिर मैंने गिनना शुरू किया, 1 कॉइन गर्म होना शुरू हो गया है, 2 कॉइन और गर्म हो गया है, 3 अभी कॉइन लाल हो गया है, 4 पूरा कॉइन लाल हो गया है, 5 आपका हाथ जल रहा है। जैसे ही मैंने ये बोल दिया उसने कॉइन को, है ना, जैसे मैंने ये बोल दिया कॉइन को, उसने झटके से हाथ को हाथ में से फेंक दिया। लेकिन मैंने सोचा अभी ये भी तो एक्टिंग कर सकता है यहाँ भी। है ना, यहाँ भी तो एक्टिंग वो कर सकता है। फिर मैंने उसको प्रॉपर बनाया, प्रॉपर जैसे उसने आवाज भी निकलना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी वो एक्टिंग कर सकता है। तो मैंने सोचा कि अभी एक काम करते हैं, इसके हाथ में सुई घुसा देते हैं। अगर सुई घुसाएंगे तो यहां पे वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दर्द होगा तो मालूम तो पड़ेगा, और अगर दर्द नहीं होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हुआ क्या नहीं। तो मैंने उसके एक हाथ को एनेस्थेटिक के सजेशन दिए कि आपका हाथ सुन्न हो रहा है, सुन्न हो रहा है, सजेशन दे दिया। अब सोचा कि अभी सुई घुसा देते, लेकिन सुई देखना शुरू किया, सुई नहीं मिल रहा है। तो घर में वो कपड़े सिलाने की सुई थी, कपड़े सिलाने की सुई होती है ना घर, तो फिर रिलेट को बोल दिया जाओ पड़ोस के घर से जल्दी सुई लेके आओ। तो भागता हुआ गया, सुई लेके आया, तो मैंने उसके वो सुई उसके हाथ में यहाँ पर अंदर घुसा दी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी किसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना दर्द के एक्सप्रेशंस थे ना कुछ, और तब मुझे कंफर्म हो गया कि मैं कर सकता हूं। फिर वो सुई निकाला, उसको समान अवस्था से बाहर निकाला, उसको बताया, 2-3 बच्चे भी आजू बाजू में थे, उन्होंने भी बोला हाँ ये तो बड़ा जादू हो गया, ये हो गया। तो उसने क्या कि ऐसा हुआ था, उसने सुई लिया अपने हाथ में चुभो के देखा, उसको दर्द नहीं हो रहा था। मैंने वो दर्द उसको सेंसेशन वापस दिया ही नहीं
अब वो जागृत अवस्था में था लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, तो उसको बहुत मजा आया। वो सुई लेके ऐसा ऐसा ये कर रहा है, घुसा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है। तो देखे तो मुझे ही दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको बोला ऐसा मत करो, तो उसको वापस समान अवस्था में लेके गया, तो उसके हाथ को वापस दर्द दे दिया और वापस समान अवस्था से बाहर निकला। तो वो टाइम पे फिर मुझे कंफर्म हो गया कि मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। और उसके बाद बाकी जितने हिप्नोटिस्ट, जितने भी ये हिप्नोटिस्ट करते थे, मैंने वीडियो से देखा था, वो सब मैंने करते थे। कुछ भी बाकी नहीं रहा, करेला खिलाना, मिर्ची खिलाना, सब कुछ। और उसके बाद पहले क्या था कि मुझे जबरदस्ती बकरों को ढोल के लाना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं वो एरिया में फेमस हो गए, क्योंकि लोग खुद जाके बताते थे, अरे वो उधर ये रहते हैं ना, उन्होंने उसको ऐसे किया वैसे किया। तो ये सिर्फ सुनकर लोग खुद आते थे मेरे पास, बोलते थे मुझे भी देखना है, मुझे भी करो ना, मुझे भी करेला खिलाओ ना। तो मुझे तो यही चाहिए था। तो मैं फिर उसमें से अलग अलग वो देखते तो हर दिन सोचता था, कभी नया बकरा आएगा तो उसको क्या करना है, कोई नया तरीका अपनाएंगे। किसी को करेला खिलाता था, किसी को हाथ को एनेस्थेटिक करके सुई लगाता था, किसी को मिर्ची खिलाता था, किसी के हाथ को जकड़ देता था, किसी के पैर को जमीन में चिपका देता था, किसी को बॉडी को कड़क करके सुला देता था दो चेयर पे, और बीच में किसी को खड़ा कर देता था, और भीड़ जम जाती थी घर में ये सब देखने के लिए। सबको मजा आता था देखने के लिए, अजीब लगता था ना। तो लोग बोलते थे क्या पावर है ये व्यक्ति के अंदर, ये पूरी एरिया में मालूम हो गया ना मेरा नाम, फेमस हो गया। तो फिर मैं बाद में क्या वही करते करते बाद में क्या किया मैंने कि आसपास के लोग जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स को बोल के मैं बोलता था कि ये बहुत अच्छा है, इससे बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो उसके लिए मैं हिप्नोटाइज करना शुरू किया। और सच में उनके मार्क्स बहुत बढ़ गए। एग्जाम जिसको लोग बोलते थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो पढ़ाई करता ही नहीं है, ऐसे बच्चों के मार्क्स भी बहुत बढ़ गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको प्रोफेशनली करें। लेकिन सोचने के बाद फिर से माइंड में एक निगेटिव विचार आ गया कि ठीक है प्रोफेशनली तो करें, लेकिन अभी मेरा तो कोई गुरु है नहीं, मैं किसी के पास जाके तो सीखा नहीं, तो क्या जितना मुझे आता है क्या संभव उतना ही है या उससे ज्यादा भी है? अगर कोई गुरु होता तो मैं उसको पूछता कि संभव इतना ही है या और ज्यादा है कुछ। अब मैं पूछूं किसको? अभी इस सवाल का जवाब तो इंटरनेट नहीं दे सकता है। तो अभी क्या करने का? तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक हिप्नोटिस्ट के पास जाते हैं, किसी के पास प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, ताकि मालूम पड़ेगा कि कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा कि हिप्नोटिज्म इतना ही है, या अगर इससे ज्यादा कुछ है तो वो भी मालूम पड़ेगा।
तो मैं गया एक हिप्नोटिस्ट के पास, ज्वाइन किया कोर्स और सीखा। सीखने के बाद पूरा क्लास में, पूरा क्लास हो गया, लेकिन पूरे क्लास में जितने करतब मैंने करके दिखाए थे उसमें से एक भी करतब उसने करके नहीं दिखाया। खाली बताया ऐसे होता है वैसे होता है ये है वो है, लेकिन करके कुछ दिखाया नहीं। मतलब प्रैक्टिकली कि उसने किसी को बुलाया, हिप्नोटाइज किया, सुई लगाया या बॉडी को कड़क किया या करेला खिलाया, ऐसा कुछ उसने किया है। तो मैंने सोचा ठीक है, जाने अनजाने में यहाँ कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। और सोचा कि अभी शायद इसको जितना मालूम होगा उतना तो उसने सिखाया, शायद ऐसा भी हो सकता है इससे ज्यादा इसको ही पता ना हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तो एक काम करते और दूसरा एक हिप्नोटिस्ट के पास जाते, उसके पास भी सीखते हैं, क्योंकि एक हर तरह का जो डाउट है माइंड से वो निकल जाना चाहिए। प्रोफेशनल इस फील्ड में जाना है। तो दूसरे हिप्नोटिस्ट के पास गया, वहां भी पूरा कोर्स हो गया, लेकिन मालूम पड़ा कि ये तो ये भी उतना ही कर रहा है जितना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहा है। फिर मैंने सोचा है कि चलो अब ये सब जितना कर रहे उतना उतना तो मैं कर ही रहा हूं, उल्टा मैं तो लोगों को दिखा रहा हूं कि ये होता है वो होता है, ये तो दिखा भी नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि अभी खुद का क्लिनिक खोलते हैं और लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इलाज करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर वापस मन में एक डाउट आया, मैं इलाज तो करूंगा लेकिन जो इलाज करूंगा क्या वो इलाज करने का तरीका सही है, ये कैसे पता चले? ऐसा भी हो सकता है कि इलाज करने का तरीका कुछ अलग हो, मैं कुछ अलग कर रहा हूं। फिर मैं थाना में एक हॉस्पिटल में गया, वहां पे प्रैक्टिस किया फ्री में दूसरों का इलाज करना शुरू किया। तो मुझे भी एक प्रैक्टिस करने के लिए चांस मिल रहा था और वहां पे पेशेंट के ऊपर हाथ साफ करने के लिए चांस मिल रहा था, उनका भी काम फ्री में हो रहा था और मुझे भी एक्सपीरियंस मिल रहा था। तो 6 महीने तक मैंने वो काम किया। अभी तो 6 महीने के बाद तो हर तरह का डाउट निकल गया। मैं पेशेंट को ठीक भी कर सकता हूँ, हिप्नोटाइज भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब खाली शुरू करने का था। अब इसमें यहां तक जितना भी मैंने पढ़ा था, सुना था, देखा था, इसमें एक बात मुझे बार बार सुनने को मिली थी कि अगर आपको किसी को सम्मोहित करना है तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसको सम्मोहित नहीं कर सकते। अभी जब मैंने बार बार ये पढ़ा है, सुना है, तो मुझे भी सच ही लग रहा था, ऐसा ही होता होगा। तो आगे का सफर तो वो समझकर ही मैं कर शुरू किया, क्लिनिक भी खोल दिया, मैंने पेशेंट का इलाज भी करना शुरू किया। तो आगे का जो सफर है मैं इसी सोच पर शुरू किया। लेकिन होता ये था कि कुछ लोग तो समझ सब समझ होते थे, ऐसा नहीं था।
कुछ लाइट लेवल तक होते थे, कुछ मिडल लेवल तक होते थे, कुछ डीप लेवल तक होते थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सोच चलती थी कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हर कोई हिप्नोटाइज भी हो सके और डीप तक हिप्नोटाइज हो सके। और इसके लिए मैंने बहुत सर्च कर रहा था इंटरनेट, लेकिन कोई तरीका मिल नहीं रहा। और कुछ मिलते भी थे तो सक्सेस नहीं हो रहा था उसमें। तो एक ऐसे ही विदेशी हिप्नोटिस्ट का मैंने वीडियो देखा। हाँ, इसमें और एक बात मैंने सुन रखी थी, आप सामने वाले को भले ही समूह द्वीप में लेके गए हो, लेकिन उसके मान्यताओं के खिलाफ, बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते उससे। उसके मान्यताओं के खिलाफ कुछ नहीं करा सकते, ये भी मैंने सुना था। इसके ऊपर भी मैं यकीन करता था, लेकिन एक मैंने वीडियो देखा एक हिप्नोटिस्ट का, मतलब जो रियल में उन्होंने शूट किया है डिस्कवरी पे, और वो टाइम पे डिस्कवरी पे सिर्फ साइंटिफिक ही दिखाया जाता था। आज वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था, उसका एक ब्रांड था डिस्कवरी चैनल का, जो साइंटिफिक है उसी को दिखाया जाता था। तो उन्होंने दिखाया कि एक को हिप्नोटाइज किया है, फिर उसको एक कॉफी शॉप पे हिप्नोटाइज करने के बाद उसको वापस जगाया संभल अवस्था में, और उसको किसी के चाय में जहर मिलाने के लिए बोल दिया। और वो गया तो कॉफी शॉप में, किसी के चाय में जहर मिला दिया, वो व्यक्ति मर गया। और ये वापस आ गया, उसको वापस नींद में लेके गए समरावस्था में, सब कुछ भुला दिया और जगा दिया। असलियत में वो जहर नहीं था, लेकिन जहर होता तो जिसको पिलाया गया वो व्यक्ति मर जाता। अब ये सब वीडियो देखने के बाद मुझे लगा, क्योंकि ये डिस्कवरी पे था, ये खाली कहीं और वीडियो होता तो शायद मैं यकीन नहीं कर, पूरा यकीन नहीं होगा, लेकिन डिस्कवरी चैनल पर, वो चैनल पे होता तो भी यकीन नहीं करता, लेकिन ये डिस्कवरी चैनल पे था इसलिए मैं यकीन किया कि ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी मैं खुद ये नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन क्लास के अंदर ऐसा कुछ हो गया, मैं ऐसे सिखा रहा था और वो टाइम पे एक सेशन चल रहा था कि हाथ को एनेस्थाइज कैसे किया जाए, ये मैं सिखा रहा था। और सिखाने के टाइम पे एक स्टूडेंट के सामने उसको बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर ये इसको ट्राई करेंगे। वो स्टूडेंट बोला कि नहीं सर, मुझे मत, मुझे मेरे ऊपर ट्राई मत करो, एक काम करो, पहले ये जो लड़की है बाजू में बैठी उसके ऊपर ट्राई करो, वो मैं देखूंगा, पहले कंफर्म कर लूंगा, बाद में मुझे इंजेक्शन लगाओ। अभी जैसे वो लड़का उस लड़की की तरफ इशारा किया, वो लड़की अपने जगह से उठ के खड़ी हो गई, नहीं मुझे नहीं करना है ये सब। उस लड़के को मैं बोला नहीं, मैं आपको करूंगा, कुछ नहीं होगा तुमको। फिर से ये लड़का बोला नहीं, लेकिन पहले इसके ऊपर ट्राई करो ना, फिर मैं बाद में मुझ पर करूंगा। ये लड़की फिर से चिल्लाने लगी, नहीं मुझ पर नहीं। तो मैं सोचा मैं ये लड़की का नाम भी नहीं ले रहा हूं,
ये लड़की इतनी क्यों डर रही है? मैंने उसको पूछा क्या, तो बोले नहीं मुझे इंजेक्शन से बहुत डर रहा। मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ तो दवा लेती हूँ लेकिन इंजेक्शन नहीं लेती। और मेरा तो ऐसा कोई इरादा था नहीं कि इस लड़की को हिप्नोटाइज करके इंजेक्शन लगाना है, लेकिन अभी ये इतनी डर रही है तो मैं भी मजाक के मूड में आ गया। मैं सोचा था चलो इसका थोड़ा मजाक उड़ाते। वो बोला अब तो तुमको एक हिप्नोटाइज करके इंजेक्शन लगाए। अब तो वो और डरने लगी। बोली सर नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो मैं इस क्लास से ही निकल जाऊंगी, मुझे नहीं करना। और ऐसा बोल के वो उठ के खड़ी हो गई। साइड से ही दरवाजा था, वो जाने लगी और मैंने हाथ तो मेरा उसके सर पे रख दिया। सिर्फ मजाक करने के उद्देश्य, लेकिन वो सम्मोहित हो गई। तो सम्मोहित हो गई, फिर उसको सजेशन भी दिए सम्मान के, उसको सुई भी लगा दिया, उसके हाथ में पूरा इंजेक्शन भी लगा दिया। वो वीडियो मेरे पास है। और उसको उसका वीडियो निकाला क्योंकि मुझे पता था ये तो बहुत डरती है, तो बाद में भी देखेंगे तो इसको डर लगेगा। तो इंजेक्शन निकाल लिया, उसको इंजेक्शन लगाया था, वो सजेशन कुछ दिए थे वो सब भुला दिया। समान अवस्था से उसको बाहर निकाला और उसको बताया कि कुछ किया नहीं, खाली सम्मोहित किया था और निकाला। सबको बता के रखा कि इसको बताना नहीं है कि इंजेक्शन लगाया था। और उसके दूसरे दिन उसको व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया। क्योंकि तब तक तो डर भी सब निकल जाएगा, दो दिन बाद वीडियो देखती है तो क्या उसको कुछ लगेगा नहीं उसका इतना, वो खुद यकीन नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पे अजीब बात तो यह हो गई थी, मैं तो उसको सम्मिलित करना ही नहीं चाहता था, कोई इरादा था ही नहीं मेरा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा मुझे मालूम पड़ा, फिर मैंने सोचा कि अगर इच्छा के बिना सम्मिलित किया भी जा सकता है और जो मान्यता है इसके खिलाफ भी करवाया जा सकता है। फिर उसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को हिप्नोटाइज किया और हिप्नोटाइज करके उससे एक खून करवाया। उसके पास गन दिया, उसको फोटो दिखाया कि किसका खून करना है और जिसका खून करना है वो कहाँ है वो भी बताया। वो गया जहाँ बैठा था जिस एड्रेस पे, वहाँ गया, उसने बंदूक चलाई, उसका खून किया और फिर से आ गया। फिर उसको मैं डीप में लेकर गया, उसको सब भुला दिया, बाहर निकाला। अभी फर्क इतना था कि यहाँ पे वो गन नकली थी, असली गन होती तो सच में खून कर चुका हो। और उसको पता नहीं था कि उसने क्या किया, क्योंकि जब वो संपूर्ण अवस्था से उसको बाहर निकाला, उसको कुछ हमने क्या किया कुछ नहीं, तुम कहीं गए थे क्या, नहीं मैं तो इधर ही हूं, जबकि वो बाहर जाके आया था। कहते इस लेवल तक सम्मान किया जा सकता है और आज की ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, ये सत्य है, ये कोई
अंधक श्रद्धा नहीं है, लेकिन आज भी हमारे देश में 99% हिप्नोटिस्ट वही पुरानी बात कर रहे हैं कि किसी के इच्छा, उसकी इच्छा के बिना सम्मोहित नहीं किया जा सकता है और उसकी जो धारणाएं हैं तो उसके खिलाफ उससे कुछ नहीं करवाया जा सकता। शुरू में मैं खुद भी इन बातों पर यकीन करता था और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये लोग जो लोग बात कर रहे हैं सच है, लेकिन बाद में पता चला कि ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। ये ईश्वरी जो बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत बात कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच कुछ और ही है जो सबको पता भी है। और सच बात तो यह है कि सम्मोहन सही मायने में हमारे देश की देन है। इतना कि जब जो है सम्मोहन जो है, ये इसकी खोज कि हिंदुस्तान की है, हमारे देश की है, लेकिन आज हमारा ही देश इसमें पीछे है, ये भी सच्चाई है। बाकी कंट्रीज आगे निकल गई है और हम आज भी पीछे, वही घिसा पुटा पिटा तरीका, पुराना तरीका। और सबसे अजीब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें दिमाग नहीं चलाने दिया जाए, हमें उल्टा बताया जाता है कि अपना दिमाग मत चला, जितना बताया उतना ही करो, अपना दिमाग मत चला। इससे क्या हो जाता है, इससे विकास नहीं होता है किसी भी नॉलेज में, ज्ञान में उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। पहली बार जब वो मोबाइल आया था, इतना बड़ा मोबाइल था, बराबर ना, और पूरा भारी था, उसको कमर में लटकाना पड़ता था, बराबर। अब जिसने उसकी खोज की है वो अगर अगले जनरेशन को ये बताता अपना दिमाग मत चलाना, तो जैसा मैंने बनाया है ना आपको वैसे ही बनाना है, तो क्या होता, आज भी उतना ही बड़ा मोबाइल और उतनी ही कैपेसिटी, उतनी ही कम कैपेसिटी और इतना ही बड़ा मोबाइल होता, कुछ उसमें डेवलपमेंट होता क्या, नहीं होता ना। वही गलती हमारे इंडियन लोग करते हैं। हमारे इंडियन लोग क्या बोलते हैं, जो ऋषि मुनियों ने खोज की इसकी, बराबर, अब के लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ही है, इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, और तुम इतना ही करो, इसके आगे अपना दिमाग मत चला। तो क्या कभी इस नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, इसका विकास ही नहीं होगा। कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान बढ़ता तब है जब हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या हो सकता है इसको ऊपर सोचते हैं, ट्राई करते हैं, तब वो बढ़ता जाता है, वरना कभी बढ़ेगा नहीं। हमारे देश में गलती यही है कि हम खुद भी नया कुछ करके देखते नहीं है
और अगर कोई और करना चाहता है तो हम उसको भी बोलते हैं अपना दिमाग मत चलाओ, जितना इस किताब में लिखा है ना, जितना बताया गया है ना, तुम उतना ही करो। उस वक्त ऋषि मुनियों ने जो किया वो सही किया, आगे का जनरेशन जो है उनका काम है इसको और बढ़ाओ। उन्होंने मना नहीं किया कि बढ़ा, इसको बढ़ाना नहीं ये करके, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा है तुम उतना ही करो, ज्यादा मत करो। अब देखेंगे कि कई सारे हिप्नोटिस्ट जो होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है, वो छाती ठोक के बोलते हैं कि किसी को उसकी इच्छा के बिना सम्मानित नहीं किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, वो ये बोलते हैं कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ भी कुछ नहीं करवाया जा सकता है। और ऐसे वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे कहते हैं। क्योंकि किसी किताब में लिख के रखा है। अच्छा ठीक है, दूसरे कहते हैं किताब में लिख के रखा है, ट्राई करने में क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? कोशिश तो करके देखो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि मना किया है क्या कोशिश करने में? कोशिश करने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ तो नया मालूम पड़ेगा कि नहीं? मुझे भी ये सीखने के लिए 2 साल लगे। क्या मैं पहली बार सक्सेस हो गया था क्या? और मेरे पास इतना नॉलेज होने का जो रीजन भी है ना, ये रीजन सिर्फ इसीलिए है कि मैं बहुत ज्यादा बार फेल हो गया हूं। पता नहीं इस फील्ड में लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि इसमें कोई तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम क्या इतना ज्ञानी हो गया कि तुम खुद का कुछ इसमें कर सके, तो तुम्हें इतनी अकल आ गई, तुम क्या वो पिछले जनरेशन वो ऋषि मुनियों से ज्यादा ज्ञानी हो गए? खुद ऋषि मुनियों ने यह नहीं बताया कि तुम इसमें कुछ मत सुधार करो? उन्होंने क्या, वो ऋषि मुनियों को भी क्या अपने आप आ गए तो उन्होंने कुछ किया इसलिए मालूम पड़ा ना उनको? तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें तो कम से कम हमारे पास तो एक प्लेटफॉर्म है, उनके पास तो वो भी नहीं था, हमारे पास है, हमें तो उसको लेना है, उसको और बढ़ाना है और नेक्स्ट जनरेशन को देना है। सही है ना? तो हिप्नोटिज्म एक ऐसा ज्ञान है जिसकी सीमा नहीं है, कि साइंस की कोई सीमा है क्या? अब हम इसमें जितनी खोज करते रहेंगे ये उतना ही बढ़ता जा रहा है ना, बिल्कुल ये भी वैसा ही है। हम जितना इसमें खोज करते रहेंगे, जितना अलग अलग तरीके ट्राई करते रहेंगे, हो सकते हैं फेल हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो नया निकलेगा उसमें से। जैसे बल्ब की खोज करते समय तो साइंटिस्ट हजारों बार फेल हो गया, तो पहले कोशिश में वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन यही इसी फेलर में से कुछ नया निकल आया ना, आज हम रोशनी में बैठे हैं, बराबर है कि नहीं? तो हमें करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, और ये कोई किसी का इंसल्ट नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। कुछ लोग इसको ऋषि मुनियों का अपमान है,
अपना दिमाग चलाने का तो उतना उनका अपमान है इस नजर से सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो उल्टा जो उन्होंने दिया है उसको हम और बढ़ाकर यानी हम उसको और सजा रहे हैं, तो ये गलत क्या है? सही है ना। मैंने आपको एक चीज दी, आपने उसको और सजाया और अच्छा बनाया, तो ये बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। हाँ, तो इसी तरह से बढ़ना चाहिए। और इंद्रिय मैं इसलिए बढ़ा पाया क्योंकि मैं एक रैशनल सोच रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना ईश्वर को मैं मानता हूँ उतना कोई नहीं मानता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी लोग ईश्वर को मानते हैं, मैं ईश्वर को जानता हूं। फर्क यह है, मैं जानता हूं, दूसरे लोग मानते हैं। मैं मानता नहीं हूं, किसी ने कुछ बताया और मैं मानने लग गया, मैं ये काम नहीं करता। किसी ने कुछ बताया तो मैं टेस्ट करता हूं सच है या गलत है, उसमें से कोई तो रिजल्ट निकलता है। अगर सच है तो एक्सेप्ट करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। जो सही है ले लो, जो गलत है छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। और यही सही मायने में ईश्वर का काम है, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें इतना ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, हम उसका इस्तेमाल करें, इसीलिए तो दिया है ना। कि हम इसका इस्तेमाल करना बंद करें इसीलिए दिया है क्या? तो हमें किसी को क्या बोलना चाहिए? तुम अपना दिमाग लगा के इसमें कुछ नया करो, ये बोलना चाहिए, या ये बोलना चाहिए कि अपना दिमाग मत चलाओ? तो दिमाग ना चलाने का मतलब ये तो ईश्वर का ही अपमान हो गया। ईश्वर ने दिमाग दिया है चलाने के लिए और हम उसको बोल रहे हैं कि मत चलाओ, बराबर है कि नहीं? तो ये ईश्वर का अपमान है अगर हम किसी को बोलते हैं कि दिमाग मत चलाओ। ठीक है, क्या आज हम यहां रुके? क्या होता है ना, हर व्यक्ति के पास एक अनुभव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये दुनिया बहुत खराब है, बराबर है क्या? तो ऐसा रीजन इसीलिए है कि हर कोई अपने उसको जो एक्सपीरियंस मिला है उस हिसाब से बता रहा है। जिसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है वो बोल रहा है दुनिया बहुत खूबसूरत है, जिसको खराब एक्सपीरियंस मिला है वो बोल रहा है दुनिया में हर कोई खराब व्यक्ति है, बुरा है। ठीक है, ओके ओके, बाय, जय हिंद।